नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल सरकार रिजल्ट में। दोस्तों आज हम बात करेंगे बीए प्रोग्रामिंग सेकेंड ईयर भाषा साहित्य और संस्कृत का क्वेश्चन पेपर का आंसर का, जिसमें दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसका आंसर आपको बताएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और सीधा हम दोस्तों आंसर पर चलते हैं। पहले उससे पहले दोस्तों एक बार मैं आपसे विनती करता हूँ कि जो चीज़ें हैं वो दोस्तों शेयर कीजिए, बहुत अच्छा प्यार कर रहे हैं, और वीडियो को और भी ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए जो एसएल में पढ़ते हैं, फेसबुक ग्रुप वगैरह पे भी शेयर कीजिए। और अब हम देखते हैं एक तरफ क्वेश्चन पेपर की तरफ दोस्तों। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों मैंने एक बच्चे से कह के मेल पर मंगाई है और साथ ही साथ दोस्तों ये मैंने बीए प्रोग्रामिंग सेकेंड ईयर की, इसमें दोस्तों बताया गया कि राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा का विस्तृत परिचय दीजिए। दूसरा क्वेश्चन करेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 3, काबुली वाला कहानी के कथन का चर्चा करें, उसका उद्देश्य प्रकाश डालिए। यानी दोस्तों काबुली वाले में क्या था, ऐसी कहानी में क्या था, मतलब कहानी पूरे कहानी को हम शॉर्ट करके में लिखना है, बस यही सिंपल सी बात है। तो आइए दोस्तों हम आपको हम आंसर की तरफ लेके चलते हैं। तो ये दोस्तों हम आ चुके हैं आपके चैप्टर पे राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा। तो ये सबसे पहले जो चीज़ें हमें लिखनी है राजभाषा का लिखना है। तो या राजभाषा का जो एक पहले एक टाइटल लिखनी है सबसे पहले राजभाषा। उसके बाद दोस्तों हमें ये यहाँ से जो स्टार्ट करनी है, मैं आपको बताता हूँ कहाँ से स्टार्ट करना है, आपको इस जगह से स्टार्ट करना है और फिर आपको जो जहाँ तक लिखना है वो भी बताता हूँ। पहले पॉइंट में दोस्तों आपको यहाँ तक लिखना है, उसके बाद एक लाइन छोड़कर फिर ये लिखना है, ये वाली पॉइंट। फिर ठीक है दोस्तों, एक लाइन आपको छोड़नी है, फिर जो पॉइंट है ये वाली वो आपको लिखना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं नीचे। नीचे चलने के बाद दोस्तों हमें ख भी हमें लिखना है, जो ख है यहाँ पे ख। ये दोस्तों आपके पास बुक तो इसकी होगी तो आप इसमें से ढूंढ सकते हैं, अदरवाइज जिस बच्चों के पास बुक नहीं है उसके लिए मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, वो यहाँ से लिख सकता है दोस्तों स्क्रीन को पॉज करके, साथ ही साथ स्क्रीन का जो स्क्रीन शॉट लेगा दोस्तों। मैं धीरे धीरे स्क्रोल करूँगा दोस्तों, क्या क्या लिखना है मैं बताता हूँ आपको। क लिखना है राज अथवा राज्य द्वारा प्राधिकृतिक भाषा, ये आपको लिखना है दोस्तों। उसद ख संविधान, जो संविधान द्वारा सरकारी कामकाज संसद और विधानमंडल तथा न्यायिक कार्यपालक के लिए स्वीकृत भाषा, ये भी आपको लिखना है दोस्तों। धीरे धीरे मैं दोस्तों स्क्रॉल कर रहा हूँ चीज़ें को पढ़ पढ़ के। उसके बाद दोस्तों जो आपको चीज़ें लिखनी दोस्तों उसके नीचे मैं बताऊँगा उसका। तो ये दोस्तों राजभाषा हो गया, अब हम लिखेंगे राष्ट्रभाषा और संस्कृति के बारे में। तो पहले हम ये पढ़ लेते हैं दोस्तों, पहले आप ये लिख लीजिए, उसका धीरे धीरे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो आप धीरे धीरे आप भी मतलब पॉज कर करके लिखिएगा दोस्तों वीडियो को, नहीं तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, सभी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा क्लियर दिखेगी, कोई इशू नहीं है इसमें दोस्तों। यहाँ दोस्तों आ गया कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर का स्पष्ट मतलब किया जाने लगा है। तो ये भी आप एक मतलब कि जो चीज़ें हैं दूसरा पॉइंट पे आप ये लिखेंगे, जो आपको ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये चारों जो है दोस्तों चारों लिखेंगे आप। उसके बाद नीचे जाएंगे पांचवा भी लिखेंगे, छठा भी लिखेंगे। उसके बाद आ गया दोस्तों संपर्क भाषा, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे आप, यहाँ तक पहला लाइन तो आपको मैंने बता दिया कि कहाँ से कहाँ तक करना है आपको। दूसरे लाइन में दोस्तों आपको थोड़ा हल्का से नीचे आएंगे हम, तो इसमें एक जो भारत में जो मतलब स्वतंत्रता पूर्व जो लिखा हुआ है वो भी आपको पूरा लिखना है, वो दोस्तों आपको नीचे तक है, यानी कि आपको जो लिखना है दोस्तों यहाँ से लिखनी है स्टार्टिंग और आपको जो नीचे तक जाना है और आपको यहाँ ये चीज़ आपको यहाँ तक लिखना है, ठीक है दोस्तों। तो हमने क्या क्या कर लिया अभी तक, हमने कर लिया संपर्क भाषा के रूप में हिंदी, उसके बाद दोस्तों राजभाषा और राष्ट्रभाषा में सुन दोस्तों राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर नहीं लिखना है, ये चीज़ें नहीं लिखनी है हमें, सिर्फ जो लिखनी है हमें वो लिखनी है हमें यहाँ तक, ये चीज़ें स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक लिखनी है जहाँ तक मैंने अभी टिक लगाया है। उसके बाद हमने क्या क्या कर लिया, हमने राजभाषा कर लिया, अब हम करेंगे दोस्तों संस्कृति, संस्कृति करेंगे, उसके बाद जो चीज़ें हैं दोस्तों वो हम लिखेंगे। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी ये भी हमने कर लिया है, अभी मैंने आपको बताया कहाँ से कहाँ तक लिखना है। उसके बाद दोस्तों आपको ये पॉइंट भी लिखनी है पूरा जो लास्ट तक है। उसका संपर्क भाषा हिंदी का स्वरूप, ये चीज़ नहीं लिखना है दोस्तों, उसका संपर्क भाषा हिंदी का परिचय ये भी नहीं लिखना दोस्तों। और दोस्तों सबसे नीचे जाएंगे हम संस्कृति, ये दोस्तों राजभाषा
राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा। तो हमें दोस्तों जो तीन लिखने थे, ठीक है, वो आपको यहाँ से भी आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दोस्तों बहुत शॉर्ट होगा आंसर, तो ये चीज़ें आपको नहीं लिखनी है क्योंकि आंसर बहुत शॉर्ट है इसका। तो आप दोस्तों यहाँ से जो चीज़ें हैं दोस्तों वो अनंत संबंध के लिए है, तो ये चीज़ें यहाँ से नहीं लिखना हमें। तो दोस्तों मैंने जो चीज़ें आपको बता दी क्या क्या आपको लिखना है, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी, ये आपको पूरा पॉइंट। उसका दोस्तों राजभाषा तात्पर्य और स्वरूप, उसका जब हम नीचे जाएंगे दोस्तों सबसे नीचे, तो यहाँ पे हमें अंतर दिखाया गया, अंतर नहीं लिखना है। इसका नीचे जाएंगे संपर्क भाषा के रूप में हिंदी, आपको ये लिखना है दोस्तों। अब हम चलते हैं दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम सेकेंड क्वेश्चन पे आ चुके हैं दोस्तों। अब हम सेकेंड क्वेश्चन का जो काबली वाला था उसके हम जो कथन है यानी कि कहानी है उसके हम सार को एक वे में मानकर उसके जो कथन का डिस्क्राइब करेंगे। तो आपको कथन जो है सार आपको पढ़ना है, क्योंकि सार में ही पूरी शॉर्ट डिटेल्स होती है कि काबली वाला जो स्टोरी है कहानी उसमें क्या क्या बताया गया है। तो दोस्तों मैं आपको एक बार कहानी देता हूँ, छोटी सी बालिका के जो मिनी होती है उसके ऊपर एक कहानी है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से जो चीज़ें हैं मैं आपको देता हूँ, यहाँ से आपको पढ़ना है और आपको इसी में से दोस्तों उत्तर लिखना है। आप चाहे तो जो चीज़ें हैं दोस्तों वो चीज़ों को छोटी छोटी करके भी लिख सकते हैं, मतलब कि पॉइंट बाय पॉइंट एक एक मतलब कि पॉइंट उसी टाइप में लिखना है, लेकिन जो चीज़ें हैं दोस्तों पॉइंट में लिखिएगा। उसका नीचे आएंगे, नीचे तक भी आपको लिखना है, बस यहीं तक लिखना दोस्तों, नीचे नहीं जाना ज़्यादा, ये जो आपको मैं बता रहा हूँ एक मिनट, ये आपको यहाँ तक ही लिखना है। स्टार्टिंग जो सार है, सार का स्टार्टिंग वहाँ से लेके यहाँ तक आपको, इसके बीच में आपको ऐसा नहीं कह रहा कि दोस्तों आप पूरा बुक का लैंग्वेज लिख दीजिए, थोड़ा मोरा खुद का भी लिखिए दोस्तों, ताकि जो चेक कर उसे लगे कि हाँ बच्चे ने पूरा बुक से नहीं टेपा है। एक दो लैंग्वेज चेंज कर दीजिए, कोई इशू नहीं है दोस्तों, मिक्स लैंग्वेज में लिखिए आप। दोस्तों अगर आपने वीडियो को स्किप करके देखा दोस्तों तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो दोस्तों मैं आपसे विनती करता हूँ कि वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं सर समझ में नहीं आया तो वो आपकी फॉल्ट होती है कि आपने वीडियो को स्किप करके देखा है। क्योंकि दोस्तों जो चीज़ें दोस्तों पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाया कि आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, उसका नीचे आके यहाँ से यहाँ लिखना है। दोस्तों आज के लिए वीडियो यहीं तक, अभी आज मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करने का। साथ ही साथ दोस्तों आप जो हमारे चैनल है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको न्यू अपडेट मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।